नमस्कार, पिछले 10 सालों में जिस ममता दीदी का पश्चिमी बंगाल में डंका बजता रहा है, आज उसी दीदी के नजदीकी नेता टीएमसी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जिसकी वजह से ममता दीदी अपनी खुद की सीट नंदीग्राम जीतने के लिए पूरी तरह से घुटनों के बल आ गई है। नंदीग्राम की सीट पर बाहरी दीदी बनाम भूमि पुत्र सुवेंदु दादा हो चुका है, जिसकी वजह से दीदी को नंदीग्राम में चुनाव जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेलना पड़ा और हिंदू देवी देवताओं के मंत्र बोलकर ममता दीदी ने नंदीग्राम की जनता के सामने अपने आप को हिंदू बेटी साबित करने की कोशिश की। जिस तरह से पिछले 10 सालों में पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार में तानाशाही देखी गई, पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार ने पिछले 10 सालों में जो हिंदुओं पर अत्याचार किए, और आज जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में परिवर्तन की आवाज उठी है और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे हैं, उसी का नतीजा रहा कि चुनावों से ठीक पहले ममता दीदी जनेऊधारी बन गई। उन्होंने तिलक लगाया और हिंदू देवी देवताओं के मंत्र बोलकर एक बार फिर से हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। जिस तरह से राहुल गांधी हर एक चुनाव से पहले कभी वो मंदिर जाते हैं, कभी वो मस्जिद जाते हैं, उसी तरह से ममता बनर्जी भी रणनीति तैयार कर चुकी है। नंदीग्राम में जिस तरह से ममता दीदी और सुवेंदु अधिकारी के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सुवेंदु अधिकारी यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला सकते हैं। आज नंदीग्राम में दीदी का शक्ति प्रदर्शन हुआ, उन्होंने पद यात्रा भी निकाली, और इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि घुटनों के बल दीदी आ चुकी है। आज दीदी को पद यात्रा निकालने की जरूरत नंदीग्राम में पड़ रही है, क्योंकि पिछले 11 साल बाद दीदी को नंदीग्राम है वो याद आया है, और नंदीग्राम में बाहरी दीदी वर्सेस भूमि पुत्र सुवेंदु हो चुका है। जिस तरह से 10-11 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य ममता सरकार में हुए, उस पर ममता दीदी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही कारण रहा कि बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर ममता दीदी अब पूरी तरह से नंदीग्राम पर अपनी नजरें हैं वो टिकाए हुए है। बीजेपी के चक्रव्यूह में ममता दीदी पूरी तरह से फंस चुकी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 2016 में 60% जो वोट हैं वो टीएमसी को मिले नंदीग्राम में, लेकिन आज दीदी की सीट पर ही संकट पूरी तरह से मंडरा रहे हैं। नंदीग्राम में 30-40% मुस्लिम और दलित वोटर हैं, जो कभी दीदी का केडर माना जाता था, वो आज सुवेंदु दादा के साथ जुड़कर दीदी को बाहरी बता रहा है। उसी केडर के लिए ममता दीदी आज पदयात्रा निकालती है। जिस तरह से 30-40% इस केडर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि दीदी को अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए काम और विकास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कतई भरोसा नहीं है। इसी कारण वो खुद नंदीग्राम सीट पर आकर के नंदीग्राम सीट को जीतना चाहती है। लेकिन यहाँ की जनता कहीं ना कहीं सुवेंदु दादा के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जय श्री राम के नारे ज्यादा गूंजते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो पूरे पश्चिमी बंगाल में जय श्री राम के नारे ममता दीदी की तानाशाही पर भारी पड़ रहे हैं, टीएमसी के गुंडों पर भारी पड़ रहे हैं, और जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार पिछले 10 सालों में हुए हैं, ममता दीदी ने किए हैं, वो अब हर एक हिंदू वोटर के दिलो दिमाग में बस चुका है। अब जय श्री राम के नारे कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल में गूंजते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मैदान में उतरने से पहले ही घुटने टेक चुके हैं। पहले तो संजय राउत कहते हैं कि वो 100 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी पश्चिमी बंगाल में, लेकिन जैसे ही उनको याद आया कि बिहार में नोटा से भी कम वोट शिवसेना को मिले, और ऐसे में पश्चिमी बंगाल में अगर इस तरह से दोहराया गया तो शिवसेना की फजीयत होगी, इसलिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मैदान में उतरने से पहले घुटने टेक दिए, और शिवसेना अब ममता दीदी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब वो पूरी तरह से ममता दीदी का सपोर्ट करेगी, शिवसेना खुद चुनाव नहीं लड़ेगी। कुल मिलाकर के दीदी का किला डाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिमी बंगाल के 23 जिलों में टोटल 20 जनसभाएं करने का मैप तय कर चुके हैं, जिसमें से 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में एक जनसभा हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख के बीच में लोग पहुंचे थे, और लाखों लोग पश्चिमी बंगाल में घर बैठकर पीएम मोदी को सुन रहे थे। जय श्री राम के नारे अब
पश्चिमी बंगाल में गूंज रहे हैं, परिवर्तन रैलियां निकाली जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन रैली अब पूरी तरह से कामयाब होती हुई साफ दिखाई दे रही है। सुनार बांग्ला का नारा जो बीजेपी ने दिया था वो भी अब कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल में गूंजता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और यही कारण रहा कि हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने पश्चिमी बंगाल में इस बार 200 पार का नारा दिया, जो कहीं ना कहीं सी वोटर सर्वे हो, सट्टा बाजार की सर्वे हो, अन्य कई सर्वे कंपनियों की सर्वे हो, उसमें साफ दिखाई दे रहा है 200 के आंकड़े के आर बार बीजेपी पहुंच चुकी है। टीएमसी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और यही कारण रहा कि बौखलाई ममता बनर्जी अब पद यात्रा पर निकल आई है। अब कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल की महिलाओं पर ममता बनर्जी ने नजर टिकाए हुए है कि किसी तरह से इनको अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन टीएमसी का साथ जिस तरह से ममता बनर्जी के नजदीकियों ने छोड़ दिया, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि टीएमसी पूरी तरह से फ्लॉप होगी पश्चिमी बंगाल में। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से केरल में जाकर के बस गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी कदम नहीं रखेंगे, ये 136 साल पुरानी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं एक तरह से, वैसे तो पहले वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन आगे मई में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिवसेना की तरह ही अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने से पहले घुटने टेक दिए हैं, जो कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस ने जिस तरह से लेफ्ट के साथ गठबंधन किया, ISF के साथ गठबंधन किया, जिसके बाद में G23 नेताओं ने गृह युद्ध भी कांग्रेस में शुरू कर दिया था कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ गठबंधन करने की वजह से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तितर पितर हो चुकी है। और उसी कारण G23 नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी, 136 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का सूपड़ा साफ पूरी तरह से हो चुका है और पश्चिमी बंगाल भी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। टीएमसी, बीजेपी, अन्य दलों ने जी जान से पश्चिमी बंगाल को जीतने के लिए कोशिशें की है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन तो पहले से ही पश्चिमी बंगाल में अपने घुटने टेक चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी केरल में जाकर के बस चुके हैं, वहां पर उन्हें प्रेम हो चुका है केरल के लोगों से और गुजरात के लोगों की, पश्चिमी बंगाल के लोगों की, अन्य राज्यों के लोगों की उन्होंने खूब फजीहत भी की थी। उनका एक 26 सेकंड का बयान जो कहीं ना कहीं G23 नेताओं को कतई रास नहीं आया और उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी। और अब जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता दीदी को मात देंगे, इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो चक्रव्यूह बिछाया गया था उसमें ममता दीदी पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। चुनावों से ठीक पहले कई ज्यादा विधायकों ने, टीएमसी के विधायकों ने टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि ममता दीदी का किला अब पूरी तरह से ढह गया है और इस किले को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिमी बंगाल के 23 जिलों में टोटल 20 जनसभाएं करेंगे, जिसमें से एक जनसभा हो चुकी है जिसमें 10-12 लाख लोगों के पहुंचने की चर्चाएं तेज है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार भी 190 के लगभग आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को दे चुका है। टीएमसी 100 के आंकड़े के नजदीक रह सकती है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। ओवैसी भी ममता दीदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब्बास सिद्दीकी भी जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को कहीं ना कहीं एक तरह से बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा होगा, दलित वोटर्स के सारे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने जो पश्चिमी बंगाल में अपने कदम रखने से ही मना कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोटर है वो हो सकता है कि ममता दीदी के साथ जुड़ा रहे। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम वोटर्स की जो वीडियो जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तारीफ कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, कोरोना के समय जो मोदी जी ने काम किया उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार पश्चिमी बंगाल का 27% मुस्लिम वोटर जो हमेशा से कांग्रेस
कांग्रेस और जो कहीं ना कहीं ममता दीदी के साथ जुड़ा हुआ था वो पूरी तरह से बिखरेगा। ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जय श्री राम का जो नारा है वो कहीं ना कहीं पूरे पश्चिमी बंगाल में गूंजता हुआ और पश्चिमी बंगाल में बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार ने भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की इससे पहले ही सरकार सौंप दी है। अभी तक एक चरण के चुनाव भी नहीं हुए, काफी 20 दिन के लगभग समय पड़ा है, लेकिन उससे पहले ही सट्टा बाजार हुए, सी वोटर सर्वे हुए, अन्य जो सर्वे कंपनियां हुई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के अपने समीकरण जारी कर दिए हैं। अगर प्रत्येक सीट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो दी गई है, उस पर क्लिक करके आप आज की ताजा सर्वे है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे भी अपने घुटने टेक चुके हैं। राहुल गांधी पहले से ही पश्चिमी बंगाल से दूरी बना चुके हैं, वो केरल में जाकर के रहने लगे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी हुए या फिर ममता बनर्जी हुई, इनके बीच में डायरेक्ट मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता दीदी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर ममता दीदी सिर्फ नंदीग्राम तक ही सीमित रह जाएगी। नंदीग्राम में ममता दीदी वर्सेज शुभेंदु अधिकारी चल रहा है, बारी वर्सेज जो कहीं ना कहीं भौमिक पुत्र शुभेंदु का नारा फिलहाल नंदीग्राम में कायम होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी में ममता दीदी पूरी तरह से उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। इस खबर पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले डेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।